संपूर्ण तैयारी हो चुकी है कल के लिए। 20 तारीख को सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक मतदान कार्य होगा। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालयों में तैयारियां पूरी। 26 अगस्त शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुरक्षा के बीच होगा मतदान। 2 साल बाद होने जा रहे छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित अजमेर जिले के तमाम महाविद्यालयों में चुनाव प्रबंधन समिति के द्वारा शांतिपूर्ण व सुरक्षित मतदान की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। दयानंद महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मतदान अधिकारी कमेटी और मतगणना कमेटियों का गठन कर दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, अतिरिक्त चुनाव अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद रफी खान व चुनाव कमेटी के 4 सदस्य डॉक्टर महावीर प्रसाद, डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर दीप सिंह, डॉक्टर प्रति सिंह ने देखरेख में महाविद्यालय में बनाए गए 2 बूथों पर मतदाताओं को विभाजित करते हुए मतदान कराया जाएगा। महाविद्यालय में कुल 206 मतदाता मतदान करेंगे। छात्र संघ चुनाव 2022 दयानंद कॉलेज अजमेर की तैयारियों के संदर्भ में आज हमने सभी कमेटियों की मीटिंग ले ली है और पूरी तरह से तैयारी कर ली है। मतपत्र छपवा दिए गए हैं। इसके लिए हमने मतदान के लिए 2 बूथ बनाए हैं। उन 2 बूथों पर मतदाताओं को आधी आधी संख्या में बांटकर हमने तैयारी कर ली है। पीठासीन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की और अनुशासन कमेटी और गेट से एंट्री देने वाली सभी कमेटियों की हमने मीटिंग लेकर उनको ब्रीफ कर दिया है और सारी जो व्यवस्था है चाक चौबंद हमने प्रारंभ कर दी है। टोटल कितने कैंडिडेट हैं? वो टोटल 206 वोटर्स है हमारे पास, मतदाता है 206। कितने से कितने बजे तक मतदान होगा, कब परिणाम? सवेरे 8 बजे से लेकर 1 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और परिणाम कब आएगा? परिणाम कब आएगा? परिणाम दूसरे दिन 27 को 10 बजे मतगणना प्रारंभ होगी और जब मतगणना समाप्ति के तुरंत बाद हम परिणाम की घोषणा करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर कायद अली खान ने बताया कि समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शुक्रवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा। मतदाताओं को ब्यावर रोड वाले गेट से एंट्री की व्यवस्था रखी गई है, जहां सुरक्षा के बीच सभी के आईडी कार्ड देखने के बाद उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। पीजी ब्लॉक में 9 मतदान केंद्र और आर्ट्स ब्लॉक में 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 7,151 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं समझता हूं कि आज दिनांक 25 अगस्त 2022 तक हमारी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है कल के लिए। 26 तारीख को सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक मतदान कार्य होगा, जिसमें हमने डिसिप्लिन के लिए हमने एक ही गेट के ऊपर जो है अपने अधिकारियों को लगाया है, ब्यावर वाले गेट पर, और उसी से प्रवेश होगा सभी छात्रों का। इसके अतिरिक्त हमने 2 केंद्र स्थापित किए हैं अलग अलग, एक पीजी ब्लॉक के अंदर जिसमें 9 अलग अलग मतदान केंद्र हैं किए गए हैं, और 7 मतदान केंद्र हमने आर्ट्स ब्लॉक के अंदर किए हैं। इसके अतिरिक्त मतपत्रों का कार्य अभी चल रहा है, वो तैयार हो रहे हैं। बूथों की संख्या के हिसाब से सभी बूथों में जाने के लिए सामग्री पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। इसके अतिरिक्त हमारे कानून प्रशासन को भी इसके लिए अवगत करा दिया गया है और कलेक्टर महोदय और SP ऑफिस में भी सभी तरह की सूचनाएं प्रेषित कर दी गई है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पहले से सूचित किया जा चुका है। और हमारी तरफ से कल मतदान के लिए यहाँ पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है और उसके लिए जो है सभी लोग मुस्तैद हैं, काम करेंगे, और सभी महाविद्यालय के जो हमारे साथीगण हैं वो सभी इसके लिए डिसिप्लिन के लिए उनको सूचित कर दिया गया है। किसकी कहाँ ड्यूटी लगनी है वो भी आज बता दिया जाएगा। कितने बूथ बनाए गए इसके लिए? टोटल आर्ट्स ब्लॉक में 7 बूथ हैं और पीजी ब्लॉक में 9 बूथ स्थापित किए गए। महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक जनसंपर्क अभियान जारी रहा। प्रत्याशियों ने छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इसके बाद चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी छात्रों के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क कर सकते हैं।
आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है, 25 तारीख है, कल 26 को चुनाव है, सुबह 8 से लेकर दोपहर 1 बजे तक। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं आपके? सबसे पहले तो लड़कियों के लिए, जो एनसीसी गर्ल्स हैं उनके लिए एक चेंजिंग रूम की यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, क्लासेस का नवीनतम होना चाहिए, बहुत क्लासेस में पंखे वगैरह नहीं है आर्ट्स ब्लॉक में, और इसके अलावा कैंटीन की सुविधा भी नहीं है यहाँ पे, तो वो कैफेटेरिया एरिया स्टार्ट करवाना है। स्विमिंग पूल था यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स के लिए, उसको वापस शुरू करवाना है। इसके अलावा बॉयज़ हॉस्टल को भी स्टार्ट करवाना है। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हो तो क्या ये जो वादे करें वो पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि ये वादे एक नेता के नहीं है, ये वादे एक विद्यार्थी के ही है। इन प्रॉब्लम से हम भी निकले हैं, तो हम इस चीज़ को पूरा करके दिखाएंगे। चुनाव आते हैं वो सब जीत के चले जाते हैं। हम अजमेर के ही, अजमेर में मिलेंगे, इस कॉलेज से जुड़े, इस कॉलेज में मिलेंगे। राजकीय कन्या महाविद्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर अर्चना ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की चारों पदों की प्रत्याशियों को महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मंजुला मिश्रा ने अपने कक्ष में बिठाकर चुनाव प्रक्रिया से अवगत करा दिया है। वहीं लिंग दो कमेटी की शर्तों की जानकारी भी दे दी है। उसी के अनुरूप 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए महाविद्यालय में 9 बूथ बनाए गए हैं, जहाँ 2648 वोटर अपने वोटर आईडी के जरिए मतदान कर सकेंगे। कल होने वाले छात्र संघ चुनाव की सारी तैयारियां हमारे कॉलेज में हो चुकी हैं। 9 बूथ हमने बनाए हैं मतदान के लिए, और बच्चों को वोटर आईडी हमने बांट दिए हैं, काफ़ी बच्चे ले गए हैं, और आज शाम 5 बजे तक वोटर आईडी बांटने की व्यवस्था है। और जो पदाधिकारी खड़े हुए हैं उनकी हमने अभी मीटिंग ली है, और उनको हमने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। लिंग दो कमेटी जो है उसकी जो नियम और शर्तें हैं उनके बारे में उनको बता दिया गया है, और सभी कैंडिडेट्स बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। आज 1 बजे प्रचार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो पर्सनली घर घर जाके भी जैसे भी कांटेक्ट करते हैं बच्चों से वो करेंगे। सभी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे कल चुनाव में हमारा सहयोग देंगे। चुनाव का समय क्या रहेगा, कितने सुबह 9 बजे सुबह 8 बजे जो है मतदान आरंभ हो जाएगा, और 1 बजे तक मतदान चलेगा। हमारे कुल वोटर्स 2648 हैं।